ओके, सो अब बारी आती है AS5 के क्विक रिवीजन की फ्रॉम माय मल्टी कलर चार्ट बुक। सर आप बार बार बोल रहे हो मल्टी कलर चार्ट बुक, इसीलिए क्योंकि आप खरीद लो, ठीक है। ओके, सो बात करते हैं AS5 की। नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। बच्चों, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप यूं कह सकते हो कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्योरली एक P&L बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो बात करता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या सिंपली आपकी भाषा में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं उसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर्स की। मैं इसको P&L बेस्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर हम बेसिकली किसी असेट लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर यह बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त हमें कुछ चीजें मालूम पड़ेंगी, या फिर कुछ ऐसे हेड्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त हमें ध्यान रखनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ताकि हम सही प्रेजेंटेशन कर सकें। सो बेसिकली दिस स्टैंडर्ड इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, मोर ओवर डिस्क्लोजर इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। चार बातें इस स्टैंडर्ड में हमें पढ़नी है। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड के बारे में आपको ये दिख रहा होगा, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। दूसरा, प्रायर पीरियड आइटम्स। तीसरा, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। हमें कुल मिला के इस स्टैंडर्ड में चार बातें पढ़नी है। AS5 का नाम क्या है? नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, जबकि हमें चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। ये स्टैंडर्ड कहता है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो, नेट प्रॉफिट लॉस पीरियड का मतलब जब हम पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ठीक है ना, पूरे साल का जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, याद रखिएगा कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए। पहली पॉइंट, जितने भी इनकम्स हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी साल भर में आपके इनकम्स हुए हैं या एक्सपेंसेस हुए हैं, आप सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस को हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओगे, जब तक कोई दूसरा स्टैंडर्ड उस पर्टिकुलर इनकम और एक्सपेंस के बारे में कुछ और ट्रीटमेंट नहीं बताता। मतलब अगर किसी इनकम और एक्सपेंस को अगर आप नहीं पता कर सकते कि इसको कहां ले जाएं, तो आप उसको P&L में ले जाओगे, अगर जिसका कोई नहीं उसका P&L। हाँ, अगर किसी स्पेसिफिक इनकम या एक्सपेंस के बारे में किसी दूसरे स्टैंडर्ड ने कुछ और बोला है तो फिर आप AS5 की बात नहीं मानोगे। क्या लिखा है? ऑल आइटम्स ऑफ इनकम्स एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेप्ट एनी अदर AS रिक्वायर्स अदरवाइज। अगर कोई दूसरा AS कुछ और बोले, जैसे जैसे AS 10 आपको पता होगा, वो कहता है कि जब भी आप अपनी असेट को रीवैल्यू करते हो तो जो रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है वो हम P&L में नहीं ले जाते, वो हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में ले जाते हैं। जैसे AS 12, गवर्नमेंट ग्रांट आप पढ़ते हो तो कुछ गवर्नमेंट ग्रांट जो कैपिटलाइज होती है, वो कहता है AS 12 कहता है कि अगर आपको असेट से रिलेटेड ग्रांट मिलती है तो आप उसको P&L में नहीं ले जाओगे, आप उसको असेट की कॉस्ट में से लेस कर दोगे या फिर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट मानोगे, ग्रांट फॉर डेप्रिशिएबल असेट। AS 16, बोरोइंग कॉस्ट, ये कहता है कि अगर आपकी बोरोइंग कॉस्ट किसी क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड है तो आप उसको उस क्वालिफाइंग असेट के रिलेटेड, मतलब प्रोडक्शन, एक्विजिशन, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो आप उस क्वालिफाइंग असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दोगे, बोरिंग कॉस्ट को क्या करोगे, कैपिटलाइज्ड। तो ये भी तो कहीं ना कहीं इनकम्स और एक्सपेंसेस है ना, ग्रांट मिला तो आपकी इनकम है, आपने अपनी फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यू किया, अपवर्ड रिवैल्यू किया, अपवर्ड रिवैल्यू बोल रहा हूं, डाउनवर्ड नहीं, डाउनवर्ड तो P&L में जाता है,
अपवर्ड रिवैल्यू किया तो आपने रिवेल्यूशन सरप्लस में डाला, इनकम हुआ। AS16 के अकॉर्डिंग बोरिंग कॉस्ट बियर किया, एक्सपेंस हुआ। पर इन इन चीजों के लिए स्पेसिफिकली किसी ना किसी स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि आप इन सबको पीएनएल में नहीं ले जाएंगे। तो अगर किसी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो AS5 अप्लाई होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस कंसिस्ट ऑफ, आपने अगर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट अगर देखा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स माइनस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के 5-6 हेड होते हैं जिसमें चेंजेस इन इन्वेंट्री होता है, फिर कॉस्ट ऑफ परचेज होता है, फिर फाइनेंस कॉस्ट होता है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट होता है और अदर एक्सपेंस आते हैं। फिर आता है नेट प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम्स, फिर हम लिखते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स। फिर आता है नेट प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिर हम लिखते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ऐसे मतलब इस तरीके से अगर आपने देखा हो, देखेगा जरूर, आपको ऐसा मिलेगा। वही चीज जो लिखी हुई है उसी के लिए ही ये स्टैंडर्ड बनाया गया, मतलब इस स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही वो फॉर्मेट बनाया गया है। ये स्टैंडर्ड कहता है कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मेजरली दो कैटेगरीज अलग अलग करके चलनी है। द फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर ऑर्डिनरी एक्टिविटी आइटम्स, ऑर्डिनरी एक्टिविटी आइटम्स। ऑर्डिनरी एक्टिविटी आइटम्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ सेलर, इफ आई एम अ ट्रेडर, इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर, इफ आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, सो वॉट एवर रेवेन्यू आई एम अर्निंग फ्रॉम दिस सर्विसेज, ट्रेडिंग, गुड सेलिंग, दैट इज माई ऑर्डिनरी एक्टिविटी। सो उस ऑर्डिनरी एक्टिविटी से जुड़े हुए जो भी एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी के आइटम हो गए, सेल्स, परचेजेस, बैड डेट्स, जनरली सारे खर्चे। बट देर इज अनदर कैटेगरी कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जिसका ऑर्डिनरी एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। जैसे अर्थक्वेक लॉस, COVID-19 रिलेटेड एक्सपेंस, ठीक है ना, फ्लड, फ्लड से जो लॉस हुआ, ये जितने भी एक्सपेंस होते हैं या अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई इनकम होती है जैसे इंश्योरेंस क्लेम, दीज आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू योर ऑर्डिनरी एक्टिविटी, दीज आर ट्रीटेड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और उनको अलग दिखाओ। पीएनएल का ही पार्ट है पर उसको अलग दिखाओ। तो इसीलिए ये कहता है कि आपका जो पीएनएल है दैट इज पीएनएल फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी एंड सम देर आर सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, देर मे बी सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी एक्टिविटी के आइटम तो होंगे ही होंगे, हो सकता है शायद एक्स्ट्राऑर्डिनरी के आइटम भी हों। ऑर्डिनरी एक्टिविटी मीन्स मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस। सर उनका क्या करना चाहिए, उनको हमें हर बार सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए, डिपेंड करता है। अब जैसे सेल्स है उसको तो सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेल्स इज द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर बेस्ड ऑन विच एनी यूजर और शेयर होल्डर कैन मेक द डिसीजन। सेल एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पर डिसीजन लेना जरूरी है, सेल टर्नओवर दिखाना जरूरी है। सो डिस्क्लोज सेपरेटली सच आइटम्स इफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू नेचर और साइज इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी। बेसिकली एंटिटी के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए अगर उस आइटम का नेचर और अमाउंट दिखाना जरूरी है जस्ट टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस तो उसको हमें सेपरेट दिखाना चाहिए। ऑर्डिनरी एक्टिविटी में भी एक और कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स। टेक्निकली ये होती ऑर्डिनरी एक्टिविटी में ही है पर उनको भी अलग से दिखाया जाता है एक्सेप्शनल आइटम्स। इसको आप ऐसा समझो एग्जाम्पल के तौर पर कि जनरली मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आमतौर पर जो बैड डेट्स होते हैं हर साल वो 4% से 6% के बीच में होते हैं, कभी 4, कभी 4.5, कभी 5-6 ऐसे। बट इन दिस ईयर आई हैव एक्सपीरियंस्ड द बैड डेट ऑफ मोर देन 10% बिकॉज ऑफ COVID-19 फॉर एग्जाम्पल। सो नाउ बैड डेट कुछ ज्यादा ही हो गया यार ना, उसको मुझ वो है बैड डेट मेरा किस पे है, टर्नओवर पे है, सेल्स पे है, मतलब ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। पर ऑर्डिनरी एक्टिविटी का ये बिल्कुल ही एक अलग से आइटम दिखाने योग्य है, इसको मुझे अलग दिखाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शनल आइटम, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।
विच इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू एनी ऑर्डिनरी एक्टिविटी. इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, कोई भी इनकम और एक्सपेंस विच इज क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी. डिस्टिंक्ट मतलब बिल्कुल ही अलग, डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट, एंड विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली. मतलब बेसिकली ये बोलना चाहता है नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग. फिर से बोल रहा हूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमेशा नॉन रिकरिंग आइटम होता है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कभी भी असेट लाइबिलिटी नहीं हो सकता, वो इनकम एक्सपेंस हो सकता है और वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है. एक केस स्टडी याद आ रही है मुझे, आपके क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को रिट्रोस्पेक्टिवली चार साल से पुराने चार साल से लेकर अरियर्स ऑफ सैलरी पे किया, सैलरी के ऊपर अरियर पे किया, तो क्या ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा? नहीं, क्योंकि सैलरी पे करना इज अ आइटम ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी. सो उसका जो अरियर पे कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी एक्टिविटी हुआ. हाँ, वो एक्सेप्शनल आइटम में लिख सकते हैं क्योंकि वो हर साल नहीं आएगा, पर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है. क्यों? क्योंकि वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी लिखा है यहां पर आईवासन में. और दूसरा लिखा है नॉट एक्सपेक्टेड टू रीअकर फ्रीक्वेंटली, मतलब नॉन रिकरिंग नेचर का आइटम. हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को हमेशा अलग से डिस्क्लोज करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे मटेरियल अमाउंट हो चाहे इमटेरियल हो, उसका नेचर और उसका अमाउंट. शेड्यूल थ्री ऑल्सो रिक्वायर्स टू प्रेजेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सेपरेटली. इवन शेड्यूल थ्री के फॉर्मेट में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अलग से है, इवन एक्सेप्शनल आइटम्स को भी हमें सेपरेट डिस्क्लोजर देना चाहिए. ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी के कुछ एग्जांपल्स, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड. अब ये गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्यों बोला? AS 12 खुद बोलता है कि अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करनी पड़े तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानना है. VRS एक्सपेंडिचर, VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जहां पर हम अपने एम्प्लॉइज को बोलते हैं जल्दी रिटायर हो जाओ, रिटायरमेंट एज से पहले रिटायर हो जाओ, हम आपको हैवी कॉम्पनसेशन दे देंगे. तो जो हैवी कॉम्पनसेशन देते हैं उसको VRS एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उसको अपन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी में डालेंगे. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड पहली चीज के बारे में पढ़ा. अब हम चलते हैं दूसरी चीज, जिसको मैं हमेशा मान के चलता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और इजी भी है, प्रायर पीरियड आइटम्स. सर ये प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं? पीपीआई हम इसको पीआई भी कहते हैं. प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं सर? कोई भी इनकम और एक्सपेंस, जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में कोई भी इनकम एक्सपेंस, वैसे ही प्रायर पीरियड आइटम मतलब कोई भी इनकम एक्सपेंस जो कि प्रेजेंट करंट ईयर में अराइज हुई पर वो है पिछले साल का ड्यू टू एरर और ओमिशन. पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त आपसे कोई एरर हो गया, मतलब गलती, या फिर आपसे कुछ ओमिशन हो गया, मतलब भूल चूक, कुछ गलती या भूल चूक हो गई, आप कोई आइटम लिखना भूल गए, कोई एक्सपेंस को बुक करना भूल गए, प्रोविजन बनाना भूल गए, डेप्रिसिएशन गलत तरीके से लगा दिया, ठीक है ना, करंट ईयर में वो मालूम पड़ा, ओ शिट पिछले बार तो ऐसा कर देता, शिट 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 अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, उसको मानेंगे प्रायर पीरियड आइटम. अब उसका करेक्शन करना तो जरूरी है, तो करंट ईयर में जब आप उसका करेक्शन करोगे तो आप उसको करंट ईयर के पीएनएल में दिखाओगे, तो उस करंट ईयर के पीएनएल में दिखाते वक्त आप उसको सेपरेट डिस्क्लोजर करके दिखाओगे, आप उसको किसी भी अदर आइटम के साथ मिला के नहीं दिखाओगे. फॉर एग्जाम्पल पिछले साल आपने डेप्रिसिएशन गलत चार्ज कर लिया, अब करंट ईयर में भी तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना, तो अगर आप करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करते और पिछले साल मान लो सही डेप्रिसिएशन लगाया होता तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आता सिर्फ 50 लाख रुपीस, पर क्योंकि पिछले साल आपने गलत डेप्रिसिएशन रेट लगा लिया तो इस बार का डेप्रिसिएशन आ रहा है 60 लाख रुपीस, मतलब आउट ऑफ 60 50 तो वैसे भी आना था, तो टेक्निकली 10 लाख का डेप्रिसिएशन ज्यादा है, तो आप इस बार डेप्रिसिएशन 60 लाख नहीं दिखाओगे, आप दिखाओगे डेप्रिसिएशन करंट ईयर 50 लाख, डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में प्रायर पीरियड आइटम 10 लाख, मतलब करेक्शन. तो बेसिकली आपको प्रायर पीरियड आइटम का इफेक्ट अलग से दिखाना है अपने पीएनएल में, ताकि ये समझ में आए कि जो करंट ईयर में आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकला है, जो प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, उस प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर उस पीपीआई का कितना इफेक्ट पड़ा है, अगर ये पीपीआई नहीं होता तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ता या गिरता. एग्जाम्पल रॉन्ग डेप्रिसिएशन, रॉन्ग प्रोविजन ऑफ एनी एक्सपेंस,
सेपरेट डिस्क्लोजर देना है नेचर एंड अमाउंट, और इसका अमाउंट भी दिखाना है और अलग से नोट्स टू अकाउंट्स में इसके बारे में डिस्क्लोजर भी देना है। ये हो गया आपका प्रायर पीरियड आइटम। याद रखना एरर या ओमिशन होना जरूरी है। अगर कोई मिस्टेक नहीं की थी पिछली बार, इंटेंशनली आपने प्रोविजन क्रिएट नहीं किया था, अब आपको क्रिएट करना पड़ रहा है, तो वो आपका प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। सिंपल हो गया। अब बात करते हैं तीसरे चीज की। इसमें दो चीजें शामिल है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। पहले बात करते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। ये एस्टीमेट्स क्या होता है? एस्टीमेट्स की जरूरत कहां पड़ती है? जहां हमारे पास श्योर शॉट किसी असेट लाइबिलिटी को क्रिएट करने के लिए या किसी चीज के लिए हमारे पास एक श्योर अमाउंट पता नहीं है। अप्रोक्सीमेशन ऑफ अमाउंट व्हेन मेजरमेंट मींस इज एब्सेंट। किसी पर्टिकुलर चीज को मेजरमेंट करने का तरीका हमें पता नहीं है, किसी एएस में भी नहीं बताया गया। अब कैसे करें? तो हम एक अपना एस्टिमेशन लगाते हैं। जैसे प्रोविजन जनरली जितने भी हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब किसी ना किसी अंदाजे से एस्टिमेशन से क्रिएट करते हैं। इनके लिए कोई रूल हो भी नहीं सकता, ठीक है ना? तो प्रोविजन मैं कितने रेट से क्रिएट कर रहा हूं? आज क्रिएट कर रहा हूं 5%, कल क्लियर, अगले साल हो सकता है मैं क्रिएट करूं 7% से, हो सकता है उसके अगले बार मैं क्रिएट करूं 3% से, इट मे वेरी। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। क्या करना चाहिए आपको? आप अगर कोई भी अकाउंटिंग एस्टीमेट बदलते हो आगे चल के, जैसे आपका करंट ईयर में आपने बैड डेट्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट किया 5%, जबकि पिछले साल तक आप क्रिएट करते थे 3%, या करंट ईयर में आपने ग्रेचुटी के ऊपर जो प्रोविजन क्रिएट किया, एक एग्जाम्पल, एक इस पे केस स्टडी भी है कि कंपनी पिछले साल तक ग्रेचुटी देती थी और उसका प्रोविजन क्रिएट करती थी एडॉक बेसिक पर, बेसिस पर, एडॉक मतलब जितना पे करना है उतना ही प्रोविजन क्रिएट करती थी, जबकि करंट ईयर से कंपनी ने बोला कि हम ग्रेचुटी का प्रोविजन बनाएंगे बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, किसी एक्सपर्ट से वैल्यूएशन करवाएंगे, एक्चुअल वैल्यूएशन। तो क्या ये क्या है? ये बेसिकली चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। पहले आपका एस्टीमेट करने का तरीका अलग था, इस बार आपका एस्टीमेट करने का तरीका बदल गया। तो अगर आप अकाउंटिंग एस्टीमेट्स बदलते हो तो आप उसको डिस्क्लोजर करिए, स्पेशली अगर आपको पता है कि उसका इफेक्ट करंट ईयर में है या फ्यूचर पीरियड में पड़ेगा, तो आप उसको डिस्क्लोज करिए। इफ नॉट क्वांटिफाइबल देन डिस्क्लोज द फैक्ट। अगर आप ये क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो कि अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज करने से कितना इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट पे, तो आप एटलीस्ट ये डिस्क्लोज कर दो कि हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर बैड डेट, लाइफ ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएबल असेट। इवन एक और एग्जाम्पल लिख लो, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्ट। याद रखना अगर आप डेप्रिसिएशन का मेथड SLM से WDV, WDV से SLM या कोई और मेथड पे ले जाते हो, तो उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कहा जाएगा। बहुत सारे बच्चे हो सकता है यहाँ पर ये बोले कि सर हमें तो बताया गया है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, हमने तो पहले चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ा था। माइट बी शायद IPCC वाले बच्चों को ये चीज लगे, भाई साहब अमेंडमेंट हो चुका है, बहुत पुराना अमेंडमेंट है, कोई नया अमेंडमेंट भी नहीं है, अब के बार हम इसको चेंज इन अकाउंटिंग मेथड अकाउंटिंग एस्टीमेट बोलते हैं, क्योंकि AS 6 डेप्रिसिएशन वाला जो AS था वो डिलीट हो चुका है, तो उसके बाद हम इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोलते हैं। अगर आप कभी भी एस्टीमेट चेंज करते हो तो ये मत सोचना कि वो कोई प्रायर पीरियड आइटम होगा। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कभी प्रायर पीरियड आइटम नहीं हो सकता। मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने पिछली बार एस्टीमेट बनाया था 3% का, इस बार मैं 5% का बना रहा हूं, मतलब पिछली बार गलती हो गई। एस्टीमेट में कभी गलती नहीं होती, एस्टीमेट बदला है, पिछली बार सर्कमस्टांसेस कुछ और थे, इस बार सिचुएशन कुछ और है। तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कैन नेवर बी प्रायर पीरियड आइटम, ठीक है, एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। जब भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होगा, आप ये नहीं देखोगे कि पिछले साल तक मैंने क्या किया था, मैं अभी चेंज कर रहा हूं तो मैं पिछले साल को भी चेंज करूं, नहीं। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में आपने लास्ट ईयर तक जो भी किया वो ठीक है, अब आप करंट ईयर से चेंज करो, मतलब पिछला जो हो चुका है उसको छोड़ दो, हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करते हैं। अब आते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मैंने आपको बोला कि मैं बैड डेट्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करता हूं, पिछले साल तक 3%, इस बार 5%, ये मेरा एस्टीमेट है। अब मैं आपको बोलूं कि मैं बैड डेट के ऊपर प्रोविजन पिछली बार तक क्रिएट ही नहीं करता था, मेरी मर्जी, नहीं करना, भले मेरे को बैड डेट होता है,
मैं तो एक्चुअल बैड डेट बुक करता हूँ, मैं प्रोविजन ओविजन नहीं क्रिएट करता हूँ, बट अब से मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रोविजन बनाऊंगा। कितना बनाऊंगा वो छोड़ दो, वो तो मेरा एस्टिमेट है। पिछली बार तक मैं प्रोविजन नहीं क्रिएट करता था बैड डेट्स पर, अब क्रिएट करूंगा, ये मेरी पॉलिसी हो गई। मतलब मुझे प्रोविजन बनाना है कि नहीं बनाना है ये मेरे ऊपर है, पॉलिसी। कितना बनाना है, एस्टिमेट। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर? ग्रेचुटी का प्रोविजन बनाना है कि नहीं बनाना है, पॉलिसी। डिपार्चर फ्रॉम प्रीवियस एडॉप्टेड पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब आपने जो पिछली पॉलिसी अडॉप्ट की थी आप उसको हटा के आप नई पॉलिसी अडॉप्ट करते हो उसी पर्टिकुलर चीज के लिए। डिपार्चर फ्रॉम प्रीवियसली अडॉप्टेड पॉलिसी, मतलब पुरानी अडॉप्टेड पॉलिसी को आप हटा रहे हो, डिपार्ट कर रहे हो। क्यों? अब AS5 कहता है, जो कि AS1 भी वही कहता है, कि अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो तो याद रहे चेंज तभी कर सकते हो जब 3 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो। इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ और स्टैट्यू, लॉ स्टैट्यू मतलब मोस्टली हमारे अकाउंटिंग पर जनरली कंपनीज लॉ अप्लाई होता है, जनरली। बैंकिंग के केस में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी थोड़ा होता है, इंश्योरेंस के केस में IRDA के गाइडलाइंस अप्लाई होते हैं, पर जनरली अगर अपन अपनी बात करें नॉर्मल कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है। अकाउंटिंग की बात करें, मान लो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको डिविडेंड का प्रोविजन क्रिएट करना ही पड़ेगा, अभी तक आप क्रिएट नहीं करते थे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ लॉ बोला गया है मुझे करना पड़ेगा। और टू कंप्लाई विद एनी AS रिक्वायरमेंट, एनी AS रिक्वायरमेंट, AS2 बोलता है आप अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करोगे इधर कॉस्ट, मतलब कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं है, मुझे AS2 फॉलो करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, मैं अपनी पॉलिसी चेंज कर सकता हूं। AS13 कहता है करंट इन्वेस्टमेंट्स को आप मेजर करोगे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा कॉस्ट पे। मैं तो लॉन्ग टर्म को भी फेयर वैल्यू करता था, चलो मैं AS13 अप्लाई करना चाहता हूं तो कोई बात नहीं, मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर लेता हूं। फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहीं लॉ में कुछ नहीं बोला गया, कहीं AS में नहीं लिखा गया, बट आपको पर्सनली फील होता है कि अगर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन और अप्रोप्रिएट, ज्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकते हो, ज्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू दिखेगा। चेंजेस हैविंग मटेरियल इंपैक्ट, अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तो उसका जो भी मटेरियल इंपैक्ट आएगा उसको डिस्क्लोज करना है। अगर उसका इंपैक्ट करंट ईयर में नहीं होता और फ्यूचर में होता है तो ये करंट ईयर में आपको बात बतानी पड़ेगी कि इसका इंपैक्ट फ्यूचर में पड़ेगा। डिस्क्लोज इन अ ईयर ऑफ एडॉप्शन, आपको ईयर ऑप्शन के ईयर में डिस्क्लोज करना है। एग्जाम्पल क्या है, चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री या चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ऑलवेज गिव रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तो आपको करंट ईयर से नहीं, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जिस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर, जैसे चेंज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सॉरी इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन, आपने ये इन्वेस्टमेंट 4 साल पहले खरीदा था, 4 साल पहले से लेकर आप इस इन्वेस्टमेंट को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू करते आए हो, जबकि अब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करके आप इसको कॉस्ट पे रखना चाहते हो, ओ माय गॉड, कॉस्ट पे रखना चाहते हो, तो आपको 4 साल पुराने से लेकर आपको इसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा कि पुराने 4 साल से अगर आप इसको कॉस्ट पे दिखाते आते तो जो भी डिफरेंस था उसका इफेक्ट आपके करंट ईयर के पीएनएल में कितना पड़ेगा, या ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व में, ओपनिंग फ्री रिजर्व में उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं? मतलब आपको पता होगा कि जब भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें आप करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों दिखाते हो, तो उस अकाउंटिंग पॉलिसी को अगर आपने चेंज किया है तो प्रीवियस ईयर में भी वो चेंज का इफेक्ट दिखना चाहिए, इसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आई बात समझ में कि नहीं? अरे वाह, देखो देखते ही देखते डिस्कशन खत्म। सो दिस वॉज AS5। आई होप आपको AS5 क्विकली एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस जरूर करिएगा। एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न्ड, AS4, AS5, AS29 तीनों में से कोई ना कोई एक AS तो एग्जाम में आता ही आता है, और तीनों की अगर आप स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस करके जाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मेरा अगर क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो उसमें सारे RTPs, MTPs, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कवर किए, आप वहां से भी कर सकते हो एक्स्ट्रा। स्टडी मैट के क्वेश्चंस तो करके ही जाने हैं, अलग से आप RTP, MTP, पास्ट एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चंस करके जाएंगे जैसा मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में दिया है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसी के साथ आज का सेशन अभी खत्म करते हैं, AS5
खत्म हमारा हो गया AS5। अगले सेशन में मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।